छह दिनों से ये मराठा आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन सोमवार शाम के बाद आंदोलन किया भड़क गया। देखते ही देखते कई शहरों में विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। सबसे ज्यादा हिंसा औरंगाबाद में देखने को मिली। कल औरंगाबाद में जिस काका साहिब नाम के युवक की जानलेवा छलांग से मराठा आंदोलन भड़का, आज उसी औरंगाबाद में भीड़ ने गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस और आंदोलनकारियों में सीधी भिड़ंत हुई। इस दौरान कई पुलिस वाले और आंदोलनकारी घायल हो गए। अलग अलग इलाकों में तनाव है, कई इलाकों में आज बंद भी रहा। और खास करके अगर इस जगह की बात करें तो इस इलाके में आज दोपहर को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, वाहनों के साथ में आगजनी हुई। और अब ये जो मुख्य सड़क है अहमदनगर और औरंगाबाद के बीच, इन दो शहरों को जोड़ने वाली ये सड़क जो है कल दोपहर से बंद है। यहाँ पर वाहनों की आवाजाही नहीं, पुलिस की मौजूदगी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पुलिस ने हालांकि दोपहर को एक असफल प्रयास किया था इस सड़क को खोलने का, यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे, लाठीचार्ज भी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मराठा आंदोलनकारी हैं, तो पुलिस बल पर्याप्त नजर नहीं आ रहा। पुलिस को शायद इस तरह की हिदायत दी गई है कि और ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना है। कल जान गंवाने वाले काका साहिब शिंदे का आज औरंगाबाद में कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन श्रद्धांजलि देने पहुंचे शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे आंदोलनकारियों के गुस्से का शिकार हो गए। गुस्सा ही ने उनकी गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसके बाद उन्हें उल्टे पांव भागना पड़ा। हिंसा को देखते हुए पुणे से औरंगाबाद जाने वाली बस सेवा आज बंद रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। मराठवाड़ा की शहरों की तरफ जाने वाली एसटी बसें पुणे के